Hi friends, welcome back to my channel. आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी the viral Carton Banks haircut. तो ये जो हेयर स्टाइल है काफी अभी वायरल है. मैंने ये टिकटॉक में देखा था, यूट्यूब में भी काफी ऐसे वीडियोस बन रहे हैं. तो इस हेयर स्टाइल को क्रिएट करना बहुत ही इजी है गाइस. सबसे पहले आपको आपकी जो फ्रंट एरिया है वहां से आप जितना कार्टन बैंग्स के लिए हेयर सिलेक्ट करना चाहो, आपकी जो बैंग एरिया है उस हेयर को आप सिलेक्ट कर लीजिए. उसके बाद उसे क्लिप से इस तरह से सेपरेट कर लीजिए एंड पीछे की हेयर को भी आपको अलग से सेपरेट कर लेना होगा ताकि हेयर कटिंग टाइम आपको वो डिस्टर्ब ना करे. उसके बाद ना आपको इसे अच्छी से वेट कर लेना होगा ताकि हेयर कटिंग में आपका काफ़ी ईजी हो. इसके बाद आपको हेयर को कुछ इस तरीके से कर लेना होगा जैसे वीडियो में दिखाते हैं. तो आपकी नोज़ की साइड से आपकी हेयर को इस तरह से प्लेस करना होगा एंड सीजर से इस तरह से कट कर लेना होगा. यहाँ पर आप ध्यान रखिए, आप कितना हेयर कट करना चाहो उतना ही आपको दोनों साइड पे कट करना होगा. मैंने इतना सा कट किया है. अभी दूसरी साइड में भी सेम इसी तरीके से आपको हेयर को पहले आप कॉम कर लीजिए, उसके बाद नोज़ के साइड से इस तरफ आपको हेयर को प्लेस करके सीजर से कट कर लेना होगा. अभी ऊपर से मैं सीजर से कट नहीं कर पा रही हूँ तो मैं नीचे से हेयर को इस तरीके से कट कर लूँगी. सो यहाँ पर देखिए मैंने हेयर को कट कर लिया एंड दोनों साइड में मैंने जो हेयर कट किया ना, आप देखिए दोनों सेम साइज में है. इसके बाद आप अगेन चेक कर लीजिए कि लेंथ दोनों साइड सेम है या नहीं. मैं हेयर को अगेन कॉम कर रही हूँ एंड आप देखिए दोनों साइड में मेरी जो कटिंग जो लेंथ है ना हेयर की सेम है. अभी जो मेन ट्विस्ट है इस कार्टन बैंग्स की वो ये है, आपको इसे ड्राई कर लेना होगा कोई भी हॉट ब्रश से. अगर आपके पास कोई हॉट ब्रश नहीं है तो आप जो रोलर हेयर ब्रश होता है उसे हेयर को रैप करके, हेयर में रैप करके आप हेयर ड्रायर से भी हेयर को ड्राई कर सकते हैं. बट मेरे पास ये हॉट ब्रश है तो इसी से मैं हेयर को इस तरह से रोल करते हुए हेयर को ड्राई कर लूँगी. इससे हेयर पर बहुत ही अच्छी एक वॉल्यूम आएगी एंड आपकी जो बैंग्स है ना वो बहुत ही अच्छी से मतलब फुल जाएगा, जैसे आपकी जो बैंग एरिया है बिल्कुल भी फ्लैट नहीं लगेगा. सो यहाँ पर मैंने हॉट ब्रश से इसे दो तीन बार इस तरह से यूज़ कर लिया एंड इसके बाद ये देखिए गाइज हेयर पर कितनी अच्छी से वॉल्यूम आ गई. मेरी जो फ्रंट एरिया है, जो कार्टन बैंग्स है मेरी, ये बिल्कुल भी फ्लैट नहीं लग रही है. मैं कॉम से अगेन इसे सेट कर लूंगी. इसके बाद पीछे की जो हेयर है मैं इसे ओपन कर रही हूं एंड टडा ये देखिए गाइस हेयर को इसके बाद मैं बहुत अच्छी से कॉम कर लूंगी एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट गाइस. ये जो ट्रिक है गाइस बहुत ही इफेक्टिव है, काम करती है, दैट एक्चुअली वर्क्स एंड बहुत ही इजी है. आप इंस्टेंटली आपकी घर में ये हेयर स्टाइल, ये हेयर कट, ये लुक क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही इजीली. मुझे बहुत ही अच्छी लगी है गाइस एंड या काफ़ी अच्छी है, आप ट्राई कर सकते हैं. आपकी अगर फ्रंट एरिया काफ़ी फ्लैट लग रही है या फिर बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती है, आपको वॉल्यूमिनस हेयर चाहिए तो ये हेयर कट आप ट्राई कर सकते हैं जिसमें आपकी 5 से 6 मिनट लगेंगे शायद. सो दैट्स ऑल फॉर माय टुडेज़ वीडियो गाइज. आई होप वीडियो आपने एंजॉय किया. अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.